हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान डार जावेद साहब हैं। इनसे हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, गुफ्तगू कर चुके हैं, और हमने चंद्रयान 3 के लॉन्च के वक्त इनसे बात की थी, और आज हम दोबारा इनके साथ बात कर रहे हैं और अभी हम टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यासमीन हफीज फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जी, सर बिल्कुल। चंद्रयान 3 के टाइम पे हमने बात की थी जब वो लॉन्च हुआ था, और उस पर सारी दुनिया बात कर रही थी, और हमने उस पर आपसे बात की थी। और मैं ये बता दूं अपने ऑडियंस को, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। लेकिन हमने उसमें काफी डिटेल में जावेद साहब ने हमें उस पर बात की थी कि चंद्रयान 3 उसके क्या फायदे हैं, उसमें आगे आने वाले वक्त में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सारी दुनिया उसको किस तरह से ले रही है, भारत के लिए वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन सारे ही मुद्दों पर हमने बात की थी। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रयान 3 जो है वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, वो सफर तय कर रहा है, तो हम इंडियंस हर दिन उस पर नजर बनाए हुए हैं, हर एक व्यक्ति उसको देख रहा है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और हमने जब देखा कि उस वक्त जब लॉन्च हुआ तो सारी दुनिया उस पर बात कर रही थी। उसी बीच में आता है 10 अगस्त, जब रूस ने अपना लूना 25 लॉन्च किया। अब बात ये हो रही थी कि भाई बाद में लॉन्च हुआ है, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 से वहां पहुंच जाएगा। अब खबर ये आ रही है कि रूस का लूना 25 जो है वो क्रैश हो चुका है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही वो क्रैश हो गया। तो जावेद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये पूरी खबर क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और ये किस तरह से क्रैश हो गया, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसके बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये ह्यूमन एरर थी या जो भी था, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए मैडम, रशियाज जो ल्यूनर लैंडर क्रैश इनटू द मून, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है आज जो है निकल के आई है। और जो रोबोटिक ल्यूनर 25 स्पेस क्राफ्ट अपीयर टू हैव सीज्ड इट्स एग्जिस्टेंस, इस तरह से डिफरेंट दुनिया के डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने लिखा है, क्योंकि आफ्टर अ फेल्ड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट। और ये जो रशिया की स्पेस एजेंसी है कॉस्मोस, रॉस कॉस्मोस, उन्होंने ये खुद चीजें लोगों के सामने रखी, लोगों को बता दिया। आप देखेंगे कि इट वाज रशियन रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट जो है दैट वाज हेडेड टू द ल्यूनर सरफेस हैज क्रैश्ड इनटू द मून। एंड इसकी जो साइट्स किए गए रिजल्ट जो है ऑफ ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है, एक दिन पहले जो है लॉस्ट कॉन्टैक्ट हुआ था विद द व्हीकल जो इसका होता है। और ये लेटेस्ट सेटबैक है इन द स्पेस लाइफ फॉर द कंट्री, एक ऐसे मुल्क के लिए जो मुल्क वर्ल्ड वार के दौरान पहला ऐसा नेशन बना था एज द सोवियत यूनियन टू पुट अ सैटेलाइट, अ मैन एंड देन अ वुमेन इन ऑर्बिट। तो अगर आप देखेंगे ल्यूनर 25 लैंडर जो है रशियाज फर्स्ट स्पेस लॉन्च टू द मून सरफेस सिंस द 1970s, इट एंटर्ड ल्यूनर ऑर्बिट लास्ट वेडनेसडे। और ये सपोज था कि ये जो है लैंड करेगा एज अर्ली एज ऑन मंडे, मंडे तक मतलब कल तक ये लैंड करेगा अकॉर्डिंग टू मॉस्को टाइम। बट जो रॉस कॉस्मस है उनका कहना है कि दिस स्पेस क्राफ्ट जो है इट फायर्ड इट्स इंजन टू एंटर एन ऑर्बिट दैट वुड सिट इट अप फॉर ए ल्यूनर लैनर, बट एन अनएक्सप्लोर्ड अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशन ऑकर हो गई और इसके चलते कॉन्टैक्ट लॉस हो गया। एंड 47 मिनट्स जो है जो कॉन्टैक्ट लॉस हो गया और इंजन जो है फायर स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद अटेम्प्ट्स जो कोशिश की गई कि रीस्टैब्लिश कम्युनिकेशन हो, लेकिन वो फेल हो गया। तो इस तरह से ल्यूनर 25 डिवेटेड इट्स प्लान ऑर्बिट एंड सीज्ड इट्स एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन विद द ल्यूनर सरफेस। तो थोड़ा बहुत हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये ल्यूनर 25 जो है, ल्यूनर 25 का एम क्या था। जो इसका एम था ल्यूनर 25, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन अगस्त 11, एंड इसका एम जो था इट वॉज एम टू बी द फर्स्ट मिशन टू रीच द मून साउथ पोलर रीजन। ठीक है जी, जो गवर्नमेंट स्पेस प्रोग्राम्स हैं और प्राइवेट कंपनीज हैं ऑल ओवर द अर्थ वर इंटरेस्टेड इन दैट पार्ट ऑफ द मून। दे आर इंटरेस्टेड बिकॉज इट दे बिलीव इट मे कंटेन वाटर आइस दैट कुड बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स इन द फ्यूचर। इसका मेन पर्पस जो था ल्यूनर 25 का दैट वाज टू टेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर लैंडिंग ऑन मून, एंड द लॉस ऑफ अ लैंडर ड्यूरिंग द लेस रिस्की फेज ऑफ मिशन विल एड स्क्रूटनी टू द रशियाज स्पेस एजेंसी।
अब जो ये मिशन जो जो यू नो जो मिशन को हेड कर रहे थे टू द मून सरफेस, टू मोस्ट नर्व रैकिंग मोमेंट्स एट द रॉकिंग यू नो टाइम एंड द लैंडिंग, जो बड़े जबरदस्त दो मोमेंट्स होते हैं जब आप लॉन्च करते हो और जब लैंड होता है। थ्री ल्यूनर लैंडिंग अटेम्प्ट्स इन द पास्ट 4 ईयर्स बाय इंडिया, यू नो बाय इसराइल, बाय यू नो एंड जापानीज कंपनी, ये तीनों जो है वो फेल हो गए। ऑर्बिट जो है मून के वहां पे चले गए, लेकिन लास्ट फ्यू मिनट्स में वो डिसेंडिंग टू द सरफेस में फेल हो गए। ये बिल्कुल आया है और हर किसी को पता है। जो ये तीन कंपनीज के जो है स्पेस मिशंस, जो जैसे हमारा चंद्रयान था, लूनर लैंडिंग के अटेम्प्ट्स थे, वो अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन नजदीक रहे यू नो डिसेंडिंग जो था सरफेस का, मून सरफेस। सो व्हेन मिशंस आर लॉस्ट ड्यूरिंग द ऑर्बिट यू नो इंजन फायर, इज द कॉज ऑफन टर्न आउट टू बी द शॉर्टी मैन्युफैक्चरिंग एंड इनएडिक्वेट यू नो टेस्ट्स। तो shortcomings were the basis for the failure of the Russia's last major robotic you know into planetary अगर आप फोर्ब्स देखोगे, उनका फोर्ब्स ग्रैंट इन 2011 उन्होंने लॉन्च किया था, वो एम्बेरस बोल रहे हैं कि वो दैट वाज एम्बेरस ह्यूमन एरर लाइक यू नो। तो उससे जो है थोड़ा बहुत रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उस पे सवाल खड़े होने लगे अभी के डेट में, जो आज ये दूसरा उस तरह का चैलेंज हो गया रशिया को। ये कुछ फेलियर्स हो सकते हैं उनकी स्पेस एजेंसी में और लैंडिंग और यू नो स्टार्ट के वक्त, ये दैट विल ब्लो यू नो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन, हु हैज यूज्ड दीज अचीवमेंट्स, रशियन अचीवमेंट्स, एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज होल्ड ऑन पावर। सो दैट इज पावर ऑफ द क्रिमलिन्स नैरेटिव फॉर कंपेलिंग मैनी रशियंस, जो रशिया है इट्स अ ग्रेट नेशन हेल्ड बैक बाय अमेरिकन, यू नो अमेरिकन जो है वो जेलस हैं एंड दे आर थ्रेटनड बाय रशियंस कैपेबिलिटीज। सो जो कंट्री का स्पेस रन यू नो एजेंसी है वो अभी थोड़ा बहुत एक दो दिनों में से ना इस जियोपॉलिटिकल इक्वेशन रिलेशन में उनका थोड़ा बहुत डाउन फॉल होने लगा, क्योंकि माना यही जा रहा था कि रशिया को जो है स्पेस में, मतलब माना जाता है कि अभी तक अगर आप देखोगे जो सक्सेसफुल मून पे जो चीजें लॉन्च की है जिन कंट्रीज ने सक्सेसफुली मून पे, वो या तो रशिया था या तो यूनाइटेड स्टेट्स है और या चाइना है। तीन कंट्रीज है जिन्होंने फर्स्ट 1976 में रशिया ने पहला जो है मून लैंडिंग की थी अपने मिशन के साथ। बट इस मिशन का फेल होना कहीं ना कहीं यू नो रशिया पे काफी सवालात खड़े करते हैं, और एक सवाल ये भी खड़ा होता है क्योंकि जो सैंक्शंस लगे रशिया पर, यू नो डिफरेंट सैंक्शन जो वेस्ट की तरफ से लगे रशिया पर यूक्रेन वॉर के द्वारा या उससे पहले भी जिस तरह के सैंक्शन लगे, तो बोला यह जाता था कि रशिया बोलता था कि वी आर सो पावरफुल कि हमें जी कोई कोई चीज को इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कुछ खराबी तो नहीं है, उनका जो ये टूल्स बनाने जो उन्होंने ल्यूना 25 में डिफरेंट कंपोजिशंस की हैं उसमें कहीं वो कोई चीज जो इंपोर्ट कर सकते थे वो शायद उन्होंने खुद ही बनाया और वो पावरफुल साबित नहीं हो पाया। तो इसी तरह से यू नो इस तरह के सवाल उठते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये यह है जिस तरह से आपने पूछा कि प्यूटिन के लिए या रशिया के लिए क्या चीज बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज फेलियर मीन फॉर रशिया, इस तरह इस चीज का फेलियर। देखिए फेलियर फॉर द प्रेस्टीज मिशन अंडरस्कोर द डिक्लाइन ऑफ रशिया स्पेस पावर, क्योंकि ग्लोरी डेज ऑफ कोल्ड वॉर जो कंपटीशन था जब मास्को पहला यू नो वाज द फर्स्ट नेशन जिन्होंने लॉन्च किया था सैटेलाइट टू ऑर्बिट द मून स्पुतनिक 1 था, और ये हुआ था 1957 में उन्होंने ना पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था, भेजा था मून पे। जो सोवियत कॉस्मेनॉट थे यूरी गगरिन, वो पहला मैन बन गया जो ट्रेवल किया स्पेस 1961। ये इजी चीज नहीं है एक ऐसे नेशन के लिए फेल हो जाना, आज इस तरह का सेटबैक आ जाना। और दूसरा कि रशिया जो है दे हैड नॉट अटेम्प्टेड लॉन्च मिशन सिंस ल्यूनर 24, उन्होंने 1976 में ल्यूनर 24 भेजा, उसके बाद उनका कोई सक्सेसफुल यू नो मिशन नहीं हुआ है आज तक। तो ये एक बहुत बड़ी यू नो सेटबैक है। और ल्यूनर 25 वाज द बिगेस्ट यू नो टू एग्जीक्यूट द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून ऑन अगस्त यू नो 21, और ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। तो फेलियर आल्सो अंडरस्कोर द प्रेशर ऑन रशियाज 2 ट्रिलियन यू नो USD इकोनॉमी व्हिच इज सो फार विदस्टूड यू नो व्हाट द वेस्ट कॉस्ट एज द मोस्ट स्ट्रिंजेंट सैंक्शंस यू नो एवर इम्पोज्ड।
सो वेस्ट सेज दैट द सैंक्शंस हैव वीकेंड रशियाज इकोनॉमी और पर्टिकुलरली द हाई टेक्नोलॉजी. जैसे आपको पता है कौन सी सैंक्शंस, जैसे मैंने बता दिया रशिया पे. और आज वही बोला जाता है, वही सेटबैक है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी तरह का लिखा था आर्टिकल. तो इम्पोर्ट करते थे कुछ एलिमेंट्स वो दूसरे मुल्क से, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ. तो रशिया की इकोनॉमी पे काफी ज्यादा प्रेजिडेंट बोलते थे कि रिमार्केबल है, रिमार्केबल है, लेकिन इस तरह का सेटबैक हो जाना. और सबसे बड़ा सवाल जो है कि एडवोकेट मैन्युफैक्चरिंग पे या पार्ट जो इस मिशन के लिए थे उस पे सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या वो पार्ट सही थे जो बनाने बनाए गए. और क्योंकि सैंक्शन लगी है तो इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे. शायद रशिया के लिए वो चीज एक लुकेना रहा और वही एक धक्का लगा रशिया को इस टाइम, और ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. और एक बात ये है कि जैसे मैंने बताया पास्ट 3 डेकेड्स में रशिया हैज कंसिडर्ड वेरियस मून मिशंस, बट दे हैव बीन डिलर्ड डिलेड ड्यू टू क्योस और 1991 के बाद जो भी चीजें हुई रशिया में, या प्रेजेंट जो पॉलिटिकल टर्माइल हुए, बहुत मिशंस उन्होंने सक्सेसफुल नहीं किए. चीजें बनाई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने मिशन ही नहीं किया. तो इस तरह के जो सैंक्शन लगाए जाते हैं रशिया पे, जो हुए हैं सैंक्शन रशिया पे, वो बताए जाते हैं. और 2021 में भी एक फेलियर रहा, मिशन टू वन ऑफ द मून्स ऑफ मार्स अंडरस्कोर द चैलेंज फेसिंग रशिया स्पेस प्रोग्राम. 2021 में भी एग्जिट अर्थ ऑर्बिट ही नहीं कर पाया वो उनका एक मिशन, फोर्ब्स ग्रैंट उसका नाम है. 21 में भेजा था, अर्थ का ऑर्बिट भी कंप्लीट नहीं किया था रशिया की उस मिशन ने. तो वो स्मैश हो गया इनटू द पैसिफिक मोशन. इन 2012 में भी एक क्रैश हो गया रशिया का. तो एक बहुत बड़ा दबा है रशिया की ओवरऑल ग्रोथ पर, ओवरऑल स्पेस पर. यही मैं कहूंगा कि इन चीजों को पढ़ के थोड़ा बहुत डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, अगर आप वाशिंगटन पोस्ट का भी पढ़ोगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का भी पढ़ोगे, उन्होंने सीरीज लिखा है कि रशिया का जो चैलेंज इस टाइम है, कहीं ना कहीं रशिया को जो बोला जाता था कि वर्ल्ड की तीसरी बड़ी पावरफुल कंट्री है जो मून पर ऑलरेडी जिन्होंने लॉन्च की है चीजें, जैसे यूएस है पहला और फिर आपका चाइना आता है और अभी रशिया है. लेकिन रशिया क्या ये हमारे मुल्क मुल्क हिंदुस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि चंद्रयान जो है वो कुछ घंटों में हमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ देखने को मिलेगी. बिल्कुल बिल्कुल, 23 अगस्त का इंतजार है और हर एक भारतवासी इस पर बहुत ही गौर फरमा रहा है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम सब उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। चंद्रयान 3 के लैंड को लेकर सबको इंतजार है। लेकिन सर, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि अब भारत के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स इसको लेकर लिख रहे हैं, और एक एक कंपटीशन की तरह लिया जा रहा था, एक मुकाबले की तरह लिया जा रहा था चंद्रयान 3 को लूना 25 के साथ। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि आज से लगभग 47 साल पहले लूना 24 उनका उन्होंने उसको एक कोशिश की थी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, साउथ पोल पे, जो कि आज तक दुनिया में न ही अमेरिका कर सका है, ना चाइना, ना रशिया। और अब सारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भारत के कंधों पर है। तो ये कैसे होगा सर, और आगे आने वाले वक्त में आप इसको कैसे देख रहे हैं? और जरूर मैं यहाँ पे मैं भूल जाऊंगी, मैं यहाँ ऐड कर दूं कि हमारे हमारा जो चंद्रयान 3 का जो बजट है वो 650 करोड़ का है, और जैसे कि अभी सर ने जिक्र भी किया लूना 25 का बजट जो था वो लगभग 220 अरब का था। तो और वो ये साढ़े एक छह सौ यहाँ पे मैं जी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 650 का बताया जाता है लेकिन जो बजट अलॉटेड दिया गया वो 250 करोड़ का ऑनली है. 250 करोड़ का टोटल बजट आप मान के चले. बिल्कुल साढ़े छह सौ बिल्कुल, तो करोड़ का बजट बताया जा रहा है लेकिन 250 करोड़ का बजट ही है जिसपे पूरा हमारी टेक्नोलॉजी इतनी काफी ज्यादा चीजें कर रही है, और हमारी साइंटिस्ट जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं ओनली 250 करोड़ बजट पे. जी जी तो जी इसलिए और ज्यादा फक्र आ जाता है। तो मेरा सवाल जो है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के ऊपर है, क्योंकि सारी दुनिया की नजर जो है वो एक कंपैरिजन के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन रशिया का मिशन मून जो है वो फेल हो गया है, तो अब भारत पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप देख रहे हैं? देखिए, आप अगर थोड़ा बहुत चंद्रयान का देखेंगे किस तरह से अभी रिसेंटली आप हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे, अगर आप आज पूरा ट्विटर फॉलो करोगे और आप देखोगे कि किस तरह से क्या क्या चीजें निकल के आई है, तो प्राउड फील होता है एज एन इंडियन.
आज के स्टेट में इट हैज सक्सेसफुली रिड्यूस्ड द ऑर्बिट ऑफ चंद्रयान थ्री, मिशन जो ऑर्बिट है अब जो है, हमारा चंद्रयान थ्री का जो एक सक्सेसफुल मिशन है, इट इज नियर द सरफेस ऑफ द मून, मतलब अगस्त 23 को जो है हम इंशाल्लाह कामयाबी जो है मिलेगी। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि लैंडर जो है इंटरनल चेक्स अब वो करेंगे उसका, कि सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होगी, और सॉफ्ट लैंडिंग से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा LM जो लैंडर मॉड्यूल है, ये कंप्राइज करता है कि इसमें विक्रम मॉड्यूल है और प्रज्ञान हम बोलते हैं उसको, कि ये तीनों जो है देर एक्सपेक्टेड कि ये सरफेस, लूनर सरफेस को पहुंचे ऑन अगस्त 23। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है, हमारा सेकंड अटेम्प्ट है हमारी कंट्री का टू सेंड अ स्पेस क्राफ्ट टू मून, और वो भी मून का साउथ पोल रीजन में। तो अगर हम कामयाब होते हैं ऑन 23 को, तो हम दुनिया की पहली कंट्री बनेंगे जो एक सक्सेसफुल स्पेस क्राफ्ट जो है साउथ पोलर रीजन, मून के साउथ पोलर रीजन पर भेजेगा। एंड अगर आप देखेंगे इन 2019 हमने जो है चंद्रयान 2 जो फेल हो गया, फेल भी नहीं हुआ, पार्शल सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हमने अर्थ का ऑर्बिट कंप्लीट किया था और कुछ ही आर्स मैं वो जहां पे पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन चंद्रयान 2 ने भी दिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप देखिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो नहीं पाया, लेकिन ऑब्जेक्टिव के बावजूद बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो वो वहां तक दे सकता था उन्होंने दिया। एंड वो सेकेंड जो 2009 में जिसको अभी हम बोल रहे हैं कि एक फेल्ड अटेम्प्ट था, और जहां पे ये हुआ था कि जो लैंडर विक्रम है वो क्रैश हुआ था ड्यूरिंग सॉफ्ट लैंडिंग, राइट। एंड अभी के डेट में हम बोलते हैं कि चंद्रयान 3 जो है ये एक फॉलो अप है, इट्स अ फॉलो अप मिशन ऑफ चंद्रयान 2। और इसमें अगर आप देखेंगे ये एक ऐसा अटेम्प्ट है जो हमारे साइंटिस्ट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम स्टडी करेंगे ये जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जब ये बिल्कुल मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा, इससे जो साइंटिस्ट्स को और जो पूरी नॉलेज मून के बारे में जो जियोग्राफी बोला जाता है जियोलॉजी ऑफ द मून एंड कंपोजिशन ऑफ द मून जो इंडियन साइंटिस्ट्स को मिलेगा, जो हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, वो हमारे साइंटिस्ट और हमारी एजुकेशन और हमारी हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा। आप देखेंगे आज ही कनाडा में नासा का एक स्पेस स्टेशन है, उन्होंने किस तरह के ट्वीट्स किए हैं, और वो चंद्रयान 3 के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कितनी दुआएं दे रहे हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो, ताकि हमें भी, मतलब US और नासा जैसी इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी बोल रही है कि हमें भी कुछ चीजें पता चले, वहाँ वहाँ की डिस्कवरी की बहुत सारी चीजें हमें भी पता चले जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें पता चल सकती है। तो यही है कि साइंटिस्ट्स को हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ मून के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगा, और ये हमारा नियरेस्ट सेलेस्टियल नेबर है, हमारी अर्थ का नियरेस्ट सेलेस्टियल नेबर है, और उस नेबर के बारे में, मून के बारे में, जो हमारी लैंड की, जो हमारी जमीन की, जो इस प्लैनेट अर्थ के सबसे क्लोज है, उसके बारे में, उसकी इवोल्यूशन, उसकी टोटल ज्योग्राफी के बारे में हमें पता चलेगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये चीजें हैं कि देखना ये है, क्योंकि 3 दिन है, अब 3 दिनों में ये देखना है हमारा जो रोवर है, देखिए ल्यूना 2 25 में रोवर नहीं था हमारे, इसमें रोवर इज सॉर्ट ऑफ एक एक मूविंग व्हीकल बोलते हैं इसको, जो पूरा विक्रम के साथ, लैंडर विक्रम के साथ ना पूरे मून के फोटोज लेता है, पूरी स्टडी करता है, फिर अर्थ पे भेज देता है। जैसे आपने देखा 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली कितने पिक्चर्स हमें बाहर के मिल रहे हैं, बाहर की स्पेस के, जो लैंडर विक्रम लैंडर हमें जो इस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा हमें आ रही है, और साइंटिस्ट उन चीजों में खोज कर रहे हैं कि कितने कॉम्प्लेक्सिटीज है मून के नजदीक, जितना आप जाते हो कितनी बड़ी खतरनाक कॉम्प्लेक्सिटीज है, कितने डिफरेंट पैरामीटर्स है। तो इसी तरह बोला जाता है कि जो 30 किलोमीटर है, देखिए हम बहुत नजदीक है, अब ये बोला जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो 30 किलोमीटर्स हैं, जब 30 किलोमीटर का ट्रैवल रहता है, तो इट्स वेरी क्रूशल, और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट कहते हैं हमारे कंट्री के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो नासा, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है, एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि क्रूशल होता है 30 किलोमीटर। अब देखना ये है कि क्योंकि पैरामीटर्स ऑफ स्पेस आर वास्ट एंड इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉम्प्लेक्सिटीज, और उनके द्वारा ये स्पेस क्राफ्ट ट्रेवल कर रहे हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि 23 को, इधर ऑन 23 और ऑन 24 को ये
जो है सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और स्किप चलते मैं थोड़ा बहुत ये बता दूं कि जो चंद्रयान, चंद्रयान का नाम ही जो है चंद्रयान मीन्स मून व्हीकल, मतलब हम दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बनेंगे कि जो इस मून व्हीकल को अब साउथ पोल पे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पहली दुनिया की कंट्री बनेगी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर हमारे मुल्क, हमारा मुल्क यू नो इस चीज में कामयाब हो जाता है। इससे पहले जो है बिल्कुल 1966 में यूएस ने सर्वेयर वन के नाम से ना उनका स्पेसक्राफ्ट 1966 में कामयाब हुआ था मून पे, 1966 में उन्होंने भेजा। फिर चाइना ने चाइना चुनयुग भेजा था चाइना ने, तो उसके बाद यू नो सोवियत यूनियन तो पहले ही भेजा था जो सक्सेसफुल रहा। तो तीन कंट्रीज सक्सेसफुल रहे तो चौथे तो हम हिंदुस्तानी हो सकते हैं। बट अब देखना ये है कि ये कितना यू नो हम कितना कामयाब रहते हैं। बट आई होप कि जिस तरह से यू नो जो भी अगर आप देखोगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करोगे और जिस तरह से जिस तेजी के साथ और जिस रफ्तार के साथ हम चीजों को पकड़े हुए हैं और जिस रफ्तार से जिस यू नो कॉन्फिडेंस से साइंटिस्ट आकर, एनडीटीवी का भी एक इंटरव्यू देखिए उनपे, मतलब कितनी कॉन्फिडेंटली हमारे जो इसरो के चीफ है वो ये बातें बोलते हैं कि हम जी कामयाब हो सकते हैं और बड़े चांसेस है कामयाब होने के, क्योंकि हमने बिल्कुल वो बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे मरहले थे जो तय करने थे वो कर लिए हैं। बस अब कुछ यू नो आवर्स का इंतजार है, शायद 18 घंटे का ही इंतजार है, 24 आवर्स का इंतजार है। तो हमें जो है चंद्रयान 3 के बारे में मुकम्मल हम कामयाबी के साथ हिंदुस्तान का बिल्कुल नारा देकर आगे बढ़ेंगे। जी जी। और आपने अपने आंसर की शुरुआत में जो कहा कि बहुत ही प्राउड फील होता है जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरह के काम होते हैं जो एक बहुत कम बजट के साथ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं जिसका आगे आने वाले वक्त में लोगों को, सारी दुनिया को उसका अंदाजा होगा। और जो लोग जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो बड़ा ही आसान हो जाता है कि अरे देखिए रूस का चंद्रयान मिशन जो था वो तो पहले पहुंचने वाला है और हमारे से बाद में लॉन्च हुआ और देखिए हमारा। तो मैं इस तरह के काफी सारे क्रिटिसिज्म को सुनती हूँ लेकिन अफसोस मैं इस बात का करती हूँ कि लोग समझते नहीं है। और जैसे हमने चंद्रयान 2 के वक्त में हमने जो जो हमारा मिशन कामयाब नहीं हुआ था उस वक्त हमने देखा था कि पड़ोसी मुल्क से जिस तरह का मजाक उड़ाया गया था, जो उस तरह की बकवास बातें की गई थी, वो ऐसे दुनिया के में भी हम इस तरह की चीजें देखते हैं। लेकिन अभी आपने एक बजट का भी जिक्र किया कि एक कम बजट के साथ हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरा मैं यहाँ ये जरूर जिक्र करूंगी कि जो प्रज्ञान रोवर है उसका संस्कृत में मतलब होता है विजडम, बुद्धिमता, और जो लैंडर है विक्रम उसका मतलब होता है वीरता, वेलोर। तो ऐसे में जब हमने संस्कृत से वो शब्द उठाए हैं और उनके जो मायने हैं उनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसरो ने देखिए कहाँ से वो नाम सोचकर रखे हैं क्योंकि अपने उसी नाम को चरितार्थ करते हुए, उसी नाम पे वो काम करते हुए आगे बढ़ा है चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 का ये जो सफर है सर, ऑफकोर्स ये हम सब भारतीय जानते हैं कि ये चंद्रयान 3 का सफर सिर्फ एक स्पेस का सफर नहीं है बल्कि ये आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं का सफर है। हर एक भारतीय उसका वेट कर रहा है। बस जाते जाते आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि इसको लेकर जो एक मजाक उड़ाया जाता है कि अगर स्पेस में कोई मिशन अनसक्सेसफुल रहा, कोई मिशन फेल हो गया, भारत को लेकर जो एक कंपटीशन अभी क्रिएट कर दिया गया था भारत और रशिया के बीच में कि देखिए कौन पहले जा रहा है, कौन कामयाब है, ये सब चीजें, तो क्या स्पेस में इस तरह के कॉम्पिटिशन करना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी तरह का असफलता पर मजाक उड़ाना, ये कितना आपको ठीक लगता है? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो तमाम लोग जो वो मेहनत कर रहे हैं वो उस जिम्मेदारी, उस मेहनत, उन तमाम चीजों को जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की नजर है उस मिशन पर। चंद्रयान 3 की बात करूं तो सारी दुनिया की नजर है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं बजाय ये कि हम सबको साथ होकर एकता के साथ उस चीज को जश्न मनाना है, या कुछ कमी पेशी भी रह जाती है तो उसका कोई मजाक नहीं उड़ाना है। तो जो मजाक उड़ाते हैं साइंस को लेकर भी, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए दो तीन चीजें मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझूंगा क्योंकि आपके सवाल में ही दो चार सवाल थे। पहले आपने हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का जिक्र किया। देखिए उनकी मैं तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि उनको तो साइंस टेक के बारे में कोई उतना ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और इन बेचारों की गलती भी नहीं है क्योंकि उन्होंने हमसे पहले 8 साल पहले ही स्टार्ट किया था, फिर बहुत सारी चीजें शुरू कर ली और फिर कहीं के वो रहे नहीं। उनकी वेबसाइट पे मैं कितनी बार थक चुका हूँ चेक करते करते। डॉन ने, डॉन जो उनका बड़ा न्यूज़पेपर आता है ना, आपको मैं मजे की बात बताऊं, उन्होंने जो है बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था डॉन में, पता नहीं वो जिसने लिखा था वो बेचारा जिंदा भी है कि कहाँ है। उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था कि मतलब वहां पे
जो साइंस भी पढ़ाया जाता है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, वो भी शायद उनको अपने ही उर्दू लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आप समझते हो चीजें तो ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वहां के जो मतलब स्पेस के जो जिन्होंने आई मीन एस्ट्रोनॉट जिन्होंने इस तरह का साइंस पढ़ा हुआ है, वो बेचारे भी इस तरह की जॉब जॉब्स करते हैं ना, जो मतलब यहाँ का मतलब ग्रेजुएट जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो नहीं करता है। मतलब लैंग्वेज एक तो माध्यम है, एक मीडियम है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया जाता होगा? बड़ा सवाल तो ये है ना, कॉन्सेप्ट क्या, साइंस मेरा का क्या बोला ये कॉन्सेप्ट है, बताते हैं? जब आप पास आउट निकलते हो एक एस्ट्रोनॉट बनकर, राइट, एक इंजीनियर बनकर, आपको तो पॉसिबिलिटी है ना कि आप अपने फील्ड में जाकर चीजें करो, या किसी दूसरी चीज में जाओगे तो कम से कम अपने ही बैकग्राउंड के साथ आप जाओगे। बट वो बेचारे कंफ्यूज स्टेट ऑफ कंट्री में रहते हैं, उनको वो अगर साइंस पढ़कर निकलते हैं तो उनको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो चीजें बेचारे जो चीजें उनसे उनके सब्जेक्ट से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि उनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो है नहीं, उनके कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं बट वहाँ पे कुछ उस तरह की फैकल्टीज नहीं है, कुछ उस तरह की उनको चीजें रिसर्च ही नहीं है, आई मीन उनका कुछ रिसर्च टोटल नहीं है। और रिसर्च जो पीएचडीज में बोलता हूँ टोटल ही नहीं है, साइंस में साइंटिफिक नॉलेज ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और तीसरा वहां पे जो स्पेस जो सेंटर है, शायद पाकिस्तानी को नाम भी याद नहीं होगा, वो भी पूरा फंक्शनल नहीं है, पूरा फंक्शन नहीं करता है। और वहां पर भी जो साइंटिस्ट हैं वो या तो बाकी कंट्रीज में चले गए हैं, कोई कनाडा में काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट स्पेस एजेंसी में, कोई यूएस में काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये तो सिर्फ मजाक रहते ही नहीं उड़ा हैं। सकते हैं। और ये बिल्कुल ये आया था इसमें, क्या नाम है, डॉन, उन्हीं की एक न्यूज़पेपर में। और तीसरा चीज ये है कि वहां पे जो साइंस मिनिस्टर्स हैं बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है वो चंद्रयान 2 वो चंद्रयान 5 की वो अपनी बातें करते हैं, अपने स्पेस में जाने हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ये करेंगे वो करेंगे, बट वो कोई मतलब उनको कुछ पता ही नहीं होता। उनको अपने रिपोर्टर्स भी जब पूछते हैं साइंस के बारे में तो वो ABC भी नहीं मालूम है उनको। वो नंबर कहते हैं सेकंड चांद पर नंबर जाने की जरूरत क्या है, चांद तो अपनी खिड़की से देख सकते हैं अपने घर में बैठकर। वो झंडे पे चांद लगाने में बिलीव बिल्कुल करते हैं, चांद पर जाकर झंडा बिल्कुल लगाने में बिलीव नहीं बिल्कुल, करते। इसका उसी तरह का स्टेटमेंट आया था। तो इसी इसीलिए ना थोड़ा ये बात मैं मजाही अंदाज में बोलना जरूरी समझता था कि नहीं कुछ तो उनको हम खिलाए, हम समझाए कि हम कहाँ हैं। तो जिस कंट्री ने 8 साल पहले हमसे स्पेस एजेंसी स्टार्ट की, 1961 में उन्होंने स्टार्ट किए, और 1961 से अभी तक वो 40 सैटेलाइट्स भी नहीं भेज पाए स्पेस में, उनमें से शायद 30-35 जो चाइना से इम्पोर्ट किए गए हैं, चाइना ने उनको टेस्ट वेस्ट कराया फिर उन्होंने स्पेस में भेजा। तो वी स्टार्टेड इन 1975 एंड टुडे वी हैड मोर देन 150 सैटेलाइट्स इन स्पेस, मोर देन 150 सैटेलाइट्स। हमारा GPS से लेकर हर चीज तक, कम्युनिकेटिव सिस्टम से लेकर हर चीज तक अपना सैटेलाइट सिस्टम है, किसी दूसरे थर्ड कंट्री से लाया हुआ नहीं है, हम सिक्योर हैं, हमारी हर चीज, हमारी कॉल भी सिक्योर है क्योंकि हमारा अपना सैटेलाइट सिस्टम है, हमारा अपना स्पेस सिस्टम इन चीजों को वर्क कर रहा है। उनको वहां पर अपना भी नहीं है, वो पूरा चाइना से, मैंने बहुत सारी ये ना रिसर्च पेपर स्टडी किए हैं उनके। नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, अब जो आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि क्या इसमें कंपटीशन करना जरूरी है, नहीं बिल्कुल नहीं है। देखिए बिल्कुल साइंस में आप जब टेस्ट करते हैं, आप सैंपल एक बनाते मैन्युफैक्चर करते हैं, वो सैंपल का आप टेस्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी है ये फेल भी हो जाएगा और सक्सेस भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, या ये फेल हो जाएगा या सक्सेस हो, लेकिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारी मेरी कंट्री के लिए, आपकी कंट्री के लिए, हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमारा मजाक उड़ाया गया, और हर वक्त हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा मजाक डेवलप्ड कंट्रीज ने भी उड़ाया। जब हमने 2008 में चंद्रयान 1 भेजा तब भी हमारा मजाक कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने भी उड़ाया था, जो आज अपना फेलियर पूरी दुनिया के सामने जिनके जिनका फेलियर है, हमारा मजाक उड़ाया गया था। उस मजाक उसके एवज में हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइज जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च की है, जो उन्होंने कामयाबी चीजें की हैं, जो चीजें देख रहा है पूरी दुनिया। देखिए अवे अगर हम इतने नजदीक अभी ल्यूनर के पहुंच चुके हैं, तो लैंडिंग नाउ व्हाट इज, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड कर लूंगा, व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग, हम जो बोलते हैं ना चंद्रयान सॉफ्ट लैंड करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 60,000 किलोमीटर पर आवर टू जीरो, मतलब हम उस स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, जहां पे उसको एग्जैक्ट लैंड करना है उस स्पीड को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और वो लैंड होगा वहां, उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं।
तो हमारा लॉन्च से लेकर सॉफ्ट लैंडिंग तक ना, हमारे नेबरिंग कंट्रीज और जो दूसरी तरफ से भी चाइना है, इन्होंने भी बहुत बार मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीजें बोली बोली गई। लेकिन जिस तरह से हमने लास्ट मैनी ईयर्स से कलाम साहब या उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए, जिस तरह से उन्होंने पकड़ पकड़ी है, जो हमारे अग्नि, पृथ्वी, जितने भी हमारे रॉकेट्स हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन मिसाइल्स के की चीजें हो, जो कामयाब हुई है ना, उसने दुनिया को बिल्कुल ये बता दिया कि नहीं, इंडिया जो है ये बिल्कुल ग्रोइंग स्पेस टेक वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का हिस्सा है। और अभी के डेट में अगर हम अब जब कनाडा का नासा भी ये बोलता है, जो कनाडा में नासा का सेंटर है, अब यूएस का भी एक ट्वीट आप देखो, वो भी कहते हैं कि वी आर होपिंग, वी होप दैट इट वुड हैव सॉफ्ट लैंडिंग एंड उसके बाद इंडिया वुड डेफिनेटली हेल्प वर्ल्ड की एवोल्यूशन एंड जियोलॉजी ऑफ द मून। मतलब वो भी इंडिया की साइंस पे बिल्कुल वो समझते हैं कि नहीं, इंडिया इज नाउ ए पावर एंड नॉट ओनली हार्ड सॉफ्ट बट स्पेस में भी इंडिया की जो पकड़ है। एंड उसी के एवज में आप देखेंगे, देखिए जितनी चीजें ना 2008 से जो चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2, फिर अभी चंद्रयान 3, या इस बीच जितने भी एक्सप्लोरेशन हुए, दैट इज अ रीजन कि जब यूनाइटेड स्टेट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया, वहां पे साइंटिस्ट है ना, उनको वो जब अपने प्रेसिडेंट को देते हैं लिख के कि व्हाट शुड यू डिस्कस रिलेटेड टू स्पेस, डिफरेंट शॉपों से डिफरेंट लोग लिख के देते हैं पॉलिसी मेकिंग में कि क्या डिस्कस करना चाहिए दूसरे को। उन्होंने पहला जो पॉइंट लिखा था ना, वो स्पेस था, कि इंडिया के साथ जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब बाइडेन को बोला गया था कि इंडिया के साथ आप स्पेस एक्सप्लोरेशन पे बात करो। एंड बाइडेन पावरफुल कंट्री होने के बावजूद, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्री होने के बावजूद, ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ स्पेस टेक पे काम करना चाहेंगे। बिकॉज वो एक्नॉलेज करते हैं इंडियन साइंटिस्ट को, वो एक्नॉलेज करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, वो इनकी हमारी मेहनत को, साइंस टेक को, जो एक्सप्लोरेशन की है आज तक, उसको रिकोगनाइज करते हैं, एक्सेप्टेंस है। फ्रांस आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर जब 14th of July को गए थे, उन्होंने भी वहां पे चाहे DRDO के साथ टाइज किए, या चाहे ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी उन्होंने बोला कि वी वांट कि हमारा विश है कि हम जी इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्पेस टेक में एक्सप्लोरेशन करना चाहेंगे। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर कंट्री, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ इंडियंस, कि अगर हम कल को जो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, और बिल्कुल जिस तरह से मैं आज स्टडी कर रहा था, डिफरेंट इंटरव्यूज देख रहा था साइंटिस्ट्स के, जो हमारे एक्स इसरो चीफ भी रह चुके हैं, या हमारे जो जिगर इंडियन स्पेस के टॉप जो साइंटिस्ट्स हैं, उनका भी यही कहना है कि हमें खतरा नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम साउथ पोल पे बिल्कुल लैंड करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो हम जो है दुनिया की पहली कंट्री बनेंगे, और बिल्कुल इसके साथ साथ दुनिया की फोर्थ कंट्री बनेंगी इंडिया, जो अपनी प्रेजेंस दिखाएगी मून पर। तो हमारी साइंस के लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रही बात की जो लास्ट एपिसोड में भी आपने पूछा था कि इससे आम लोगों को क्या फायदा है, मैंने वो एक्सप्लेन कर लिया है, और इससे आम लोगों को अब ये भी फायदा, मतलब स्पेस को, वहां पे फ्यूचर हैबिटेशन कैसी होगी, वो भी फिर इंडिया बताएगा दुनिया को। हालांकि यूएस तो बता रहा है, जो गए हैं वो तो बता रहे हैं, लेकिन हम अपना व्यू पॉइंट सामने रखेंगे कि लो जी, अब इंडिया भी ट्राई कर सकते हैं कि हम हमारी हैबिटेशन, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वहां पे होगा क्या होगा। सो इंडिया वुड बिल्कुल डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पावर, और यही हमारे ग्लोबल पावर को बेहतर बनने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश है, और ये अटेम्प्ट जरूर कामयाब होना चाहिए, और इंशाल्लाह कामयाब होगा, क्योंकि 2008 से जो मेहनत हुई है चंद्रयान 1, देन 2019 में चंद्रयान 2, और अब के डेट में चंद्रयान 3, ये मेहनत जाया नहीं होगी, और हम सब इंडियंस कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, हम सब रिलीजन, या हम सब इंडियंस जो है, ये दुआ करते हैं कि 23rd को इंशाल्लाह हम सब अपने बिल्कुल अपने सिर को ऊंचा करके प्राउड फील करें इतिहास कि रचने नो वाले हैं वी जी हैड, जस्ट कि हमने दुनिया बिल्कुल को बताना है कि उनकी तरह, हमारे नेबरिंग कंट्री की तरह नहीं, हमने ये चीज करनी है, हमने वो चीज करनी है, हमने साइलेंटली चीजें की हैं, और दुनिया को बता देंगे कि इंडिया इज ए पावरफुल कंट्री एंड वी हैव नाउ टेकन चार्ज नॉट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बट ऑन द मून एज वेल। सो दैट्स माई बिलीफ। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही डिटेल्स में हमें बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं भी होता है उनके क्वेश्चन भी आते हैं और मैं पढ़ती हूँ तो अच्छा भी लगता है, गर्व भी होता है कि क्यूरियोसिटी है आज एक हर एक भारतीय चंद्रयान 3 को लेकर इतना आशावान है, इतनी उम्मीद है, इतनी सारी दुआएं हैं, भरोसा है। मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगी, लेकिन ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम चांद की सतह पर, चांद चांद के साउथ पोल पर, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां भारत पहुंचेगा, ये उम्मीद है, ये दुआएं हैं और ये दुआएं जारी रहनी चाहिए। वी आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री और इतिहास रचने वाले हैं। जब चांद के साउथ पोल पर हमारा लैंडर लैंड करेगा, जब हमारा रोवर चलेगा, तो वो तमाम चीजें जो होंगी वो खुद में एक फक्र होगा। और वो जो एक है ना गाना, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो हर एक भारतीय को ये चीज समझनी होगी कि चंद्रयान 3 को लेकर सब अपनी दुआएं जारी रखें, उम्मीद जारी रखें, आशा है, भरोसा है। चंद्रयान 3 जब 23 अगस्त 6:04 का वक्त, ये जो है वो सबको जहन में रखना है और उम्मीद और दुआएं जारी रखनी है। तो बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की है और उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और जावेद साहब के साथ हमने जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब एक वीडियो की थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, तो जिन लोगों का इसका बैकग्राउंड जानना है या और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, हम इन फ्यूचर आपके साथ जरूर किसी और मुद्दे पर जुड़कर फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और व्यूवर से बस इतना है कि आप अपनी राय कॉमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो। जय हिंद।